नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऑसम लेक्चर हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स पास्ट ईयर पेपर्स की सीरीज में। दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2014 का पेपर, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2014 का पेपर हुआ था उसका GS1 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है 2014 वाला, ये हम चार पार्ट में डिस्कस करेंगे और ये इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये पास्ट ईयर के पेपर्स को क्यों डिस्कस किया जा रहा है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात तो आपको जो एग्जाम पैटर्न होता है उससे अवगत कराना है कि पैटर्न जो आप पेपर देना चाह रहे हो, जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, वो किस तरीके का होता है। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से रीओरियंट कर सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, काफी बार क्या होता है जो पास्ट ईयर के पेपर्स क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो अगर रिपीट होता है कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और फोर्थ, आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स विच वी आर ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। यहां से दोस्तों आप मेरे बारे में जान सकते हैं, मेरा नाम है आलोक गुप्ता, मैंने मेनेट भोपाल से ग्रेजुएशन किया है और दोस्तों मैं 2 बार यूपीएससी मेंस का एग्जाम भी लिख चुका हूं। तो दोस्तों मेरी यही कोशिश है कि जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने चीजें सीखी हैं, जो मैंने नॉलेज गेन की है, वो आपके साथ शेयर की जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। तो आपको अगर कहीं पर कोई भी डाउट है आइदर इन रिलेशन टू योर प्रिपरेशन या फिर एग्जाम के रिलेशन में, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। दोस्तों ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, आई सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू प्लीज गो थ्रू दिस सिलेबस एंड रीओरियंट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव एंड सपोर्टिंग दिस चैनल, सो थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा दोस्तों अगर अभी भी आप में से किसी को ये डाउट है कि वीडियोस को किस तरीके से एक्सेस करना है, कहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप नीचे दिए हुए इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये वेबसाइट है www.straightzero.in, तो यहां पे आपको जो भी लेक्चर एक्सेस करनी है, जो भी पीडीएफ एक्सेस करनी है, वो सब कुछ अवेलेबल है। प्लीज आप इस वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके आप अपने वीडियोस, जो भी रिक्वायर्ड वीडियोस है, उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों ये होती है कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं जब आप एमपीपीएससी का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर देते हो, तो उसमें ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एग्जाम के टाइम पे तो आप काफी स्ट्रेस में होते हैं, तो कुछ या तो आप पढ़ते नहीं है या गलत पढ़ लेते हैं, तो प्लीज आप पहले से पढ़ लीजिए सो दैट आप वेल प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। सेम इंस्ट्रक्शंस यहां पर हिंदी में दिए हुए हैं, आप जो भी हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी हिंदी माध्यम में एग्जाम देने वाले हैं, प्लीज आप इन इंस्ट्रक्शंस को यहां से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो 5 ईयर प्लान्स आए थे इंडिया में, आपको पता होगा हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, ठीक है, तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सोशलिस्टिक पैटर्न को एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया गया था। आपके ऑप्शन 4 हैं, क्या है आपके ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो इनमें से किस 5 ईयर प्लान में यह डिसाइड किया गया था कि इंडिया में सोशलिस्टिक पैटर्न को एस्टेब्लिश करना है। सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है, जो सिटीजन्स है, उनकी बेसिक नीड का ख्याल रखेगी। फॉर एग्जाम्पल उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उनके पेंशन की व्यवस्था करेगी, प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। तो इस पैटर्न और क्या कहते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न में, जो एक और इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट भी हैंडल करती है, जो भी इंपॉर्टेंट मोड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो बहुत ही ज्यादा जिनमें काफी कैपिटल लगता है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो ऐसी कुछ कंपनीज जिनको गवर्नमेंट ओन भी करेगी और डिसाइड भी करेगी और डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। तो ऐसा किस पंचवर्षीय योजना में डिसाइड किया गया था, इन 4 ऑप्शंस में से आपको डिसाइड करना है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलता हूं आप सभी को, आप एक पेन और पेपर ले लो और जो भी आपको आंसर लगता है उसको लिखते जाओ और चेक करते जाओ, सो दैट आपको ये पता चल सके कि आपके 25 में से कितने आंसर सही रहे, और फिर इसको कमेंट सेक्शन में शेयर करना, तो इससे क्या होगा ये जो सीरीज है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, आपको पता चलेगा आपकी स्टैंडिंग क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 4th 5 ईयर प्लान।
फोर्थ फाइव ईयर प्लान के दौरान ये स्टैब्लिश किया गया था या ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया में सोशलिस्टिक पैटर्न स्टैब्लिश करना है। आप आंसर देख सकते हो। देखो सबसे पहला फाइव ईयर प्लान था हमारा 1951 से लेकर 56 तक, लेकिन जो सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने की बात की गई थी वो फोर्थ फाइव ईयर प्लान में की गई थी, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1969 से लेकर 1974 तक। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे सीरीज में तो आपको ये ऑलरेडी ये जवाब पता होगा। स्टिल अगर नहीं देखा तो उन लोगों के लिए ये रही बाकी की इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का यहाँ पे टाइम पीरियड है, उसका बेसिक आइडिया दिया हुआ है वो किस बारे में था, ठीक है, तो आप ये सब चीजें यहां से पढ़ सकते हैं। सेकेंड फाइव ईयर प्लान को जैसे क्या बोलते हैं, मेहलानोबिस मॉडल। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को क्या बोलते हैं, हरूद दामोद दोमार मॉडल, ठीक है। इनके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, अब तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है पंचवर्षीय योजनाओं को, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड फाइव ईयर प्लान गडगिल योजना, प्लान हॉलीडेज था 66 से लेकर 69 तक, यहां पे क्या है एनुअल प्लान चलाए जा रहे थे इस टाइम पे। उसके बाद आया था आपका फोर्थ फाइव ईयर प्लान जिसमें गरीबी हटाओ, तो देख रहे हो सोशलिस्टिक पैटर्न की बात की गई थी। उसके अलावा फिफ्थ फाइव ईयर प्लान एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी थी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फिर आया आपका रोलिंग प्लान 78-79 में। सिक्स फाइव ईयर प्लान 1980 से 85 तक था, जिसमें मेन मुद्दा था पॉवर्टी इरेडिकेशन और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। सेवन फाइव ईयर प्लान 85 से लेकर 19 तक, और जिसमें प्रायोरिटी दी गई थी प्राइवेट सेक्टर को पहली बार। एट प्लान आया आपका 1992 से लेकर 1997 के टाइम पीरियड में, और इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, नई इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको लॉन्च किया गया था, जिसमें एलपीजी की बात की गई थी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाइन्थ फाइव ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002 तक, जिसमें ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी की बात की गई थी। ट्वेल्थ फिर आया आपका टेंथ फाइव ईयर प्लान जो 2002 से लेकर 2007 तक के लिए था। इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान जो 2007 से लेकर 2012 तक के लिए था, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। फिर आया आपका ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान जिसमें फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई थी, ये 2012 से लेकर 2017 तक का था। और अब लेकिन जब से प्लानिंग कमीशन को डी कमीशन किया है उसके बाद नीति आयोग आया है, और नीति आयोग ने इस प्लानिंग के सिस्टम को ही बंद कर दिया है। अब क्या है, नीति आयोग के द्वारा 3 ईयर एक्शन एजेंडा है ना, फिर उसके बाद 7 ईयर की स्ट्रेटेजी, 15 ईयर के गोल्स, तो ये सब चीजें आने लगी हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स वगैरह। अब हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ, अगर किसी को पीडीएफ करने में अभी भी परेशानी हो रही है तो आप सबको बता दूं, आपको जाना है स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पर, जिसका क्या है StrateZero.in पे ले जाना, वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको ये बताना है इनमें से किस कमेटी ने 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था सबसे पहली बार। पंचायती राज सिस्टम यानी जो लोकल रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो 3 टीयर सिस्टम है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, तो इसको सबसे पहले किस कमेटी ने रिकमेंड किया था। आपके ऑप्शन से बलवंत राय, अशोक मेहता, हनुमंत राय कमेटी या GVK राव कमेटी। अगर आपने पॉलिटी देखी, पॉलिटी के लेक्चर्स मेरे पढ़े होंगे, तो आपको ये जवाब बहुत अच्छे से पता होगा। राइट आंसर इज बलवंत राय, सो आंसर इज ए। तो ये है पंचायती राज के, एक तरीके से इनको पितामा माना जाता है। इसी के बाद वैसे तो और भी बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, ये सारी कमेटी बनाई गई हैं इन, लेकिन सबसे पहली बार बलवंत राय जी ने ही रिकमेंड किया था। क्योंकि और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम के ऊपर जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 40 है, वो भी ऐसा बोलता है कि इट इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम, और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए फिर आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि देखिए उससे पहले भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक बैकिंग नहीं थी, तो ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 74th आया, ये किसके लिए आया था, ये अर्बन लोकल बॉडीज के लिए आया था, ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहां पे आप पंचायती राज के बारे में पढ़ सकते हैं, पंचायती राज का क्या कॉन्सेप्ट है, पूरी इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है, वो सब कुछ दिया हुआ है। आर्टिकल 40 आप यहां देख सकते हो। फिर उसके बाद सबसे पहली बार रिकमेंड किसने किया, बलवंत राय मेहता जी ने रिकमेंड किया। उसके बाद और भी फिर कमेटी आई, ठीक है, जैसे आप पढ़ सकते हो, द कमेटी इन इट्स रिपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, 3 टीयर सिस्टम रिकमेंड किया था, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी, और सबसे पहला स्टेट जिसने पंचायती राज एस्टैब्लिश किया था वो था राजस्थान,
लेकिन सबसे पहला स्टेट आफ्टर दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज एमपी। तो आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये फैक्ट पता होना चाहिए, जो मैंने पॉलिटी के लेक्चर में भी आपको बताया है। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई थी 1977 में, जिसने और भी कुछ तरीके सुझाव दिए थे कि पंचायती राज सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जिसमें ऑडिट की बात की गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंट की बात की गई थी, जिसमें रेगुलर इलेक्शन की बात की गई थी। उसके बाद जीबी के राव कमेटी आई 1985 में, जिसने कुछ और मेजर बताए। फिर आई एलएम संघवी कमेटी आई 1986 में, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की थी, ठीक है। फिर आई सॉरी तो देखिए, ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताया किसके बाद कौन सी कमेटी आई, प्लीज आप इसको याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इंडिया की 2013-14 के टाइम पे कितनी थी, कीपिंग 2011-12 एज अ बेस ईयर। पहले बेस ईयर हुआ करता था 2004-5, बाद में चेंज किया गया था इसको 11-12। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की दर क्या थी। अब तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको करंट के लिए, अगर आप लोग 2019 या 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज आप करंट की जो ग्रोथ रेट है उसको प्लीज देख लें, ठीक है। तो ये वाला आंसर अगर आप नहीं भी दे पाते हैं तो डोंट माइंड, ठीक है। इसका आंसर है सी, 4.5%, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको यह बताना है भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद उसके पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था। आपके ऑप्शन है एल के अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, एमएम जोशी या सिकंदर बख्त, ठीक है। तो यानी जो बीजेपी पार्टी है ना, जो आज के टाइम पे रूल भी कर रही है, यानी रूल तो एनडीए कर रही है, एनडीए एक अलायंस है जिसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, और उसमें और भी बहुत सारी पार्टी है जैसे शिवसेना है और भी है। तो एनडीए एक अलायंस है, ये इसका जो मेजर पार्टी है वो बीजेपी है। सिमिलरली यूपीए एक अलायंस है जिसमें बहुत सारी पार्टी हैं, और जिसको क्या कहते हैं, जिसकी मेजर पार्टी क्या है, आपकी कांग्रेस है। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं हुई हो, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने उम्मीद करता हूं आंसर लिख लिया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद इनके पहले प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी। सो राइट आंसर इज बी। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी, ए बी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जवाब आपने दे लिया होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1985 में, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 1885 में जब बनाई गई थी, तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये बताना आप। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। और ये रहे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अब तो इनका निधन हो चुका है 1924 से लेके 2018, अभी 2018 में ही हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी की ही जो बर्थ एनिवर्सरी है, यानी 25 दिसंबर, उसी को ही गुड गवर्नेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट भी किया जाता है, ठीक है। और इनको भारत रत्न भी दिया गया था। सो प्लीज ये सारे फैक्ट आप याद रखें। इसके अलावा इनको भीष्म पितामह बोला जाता है इंडियन पॉलिटिक्स का, भीष्म पितामह, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट प्लीज आप याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी के रिलेशन में है। अगला जो क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि स्टेट के अंदर विधान परिषद होनी चाहिए। विधान परिषद का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो आपका स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होता है, उसके उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ स्टेट्स में होता है, कुछ स्टेट्स में नहीं होता है, बट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी इंडिया के 7 स्टेट्स में है, याद रखना। तो यहां पे तो लेकिन आर्टिकल के बारे में पूछा है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो विधान परिषद के बारे में कुछ प्रावधान देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 170, 71, 72 या 73। उम्मीद करता हूं जवाब लिख लिया होगा। राइट आंसर इज बी, दैट इज आर्टिकल 171, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 171 में है। मेरे साथ याद कर लो, 171 LC, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद 171, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये प्लीज याद कर लें आप लोग, 7 स्टेट में बाइकैमरल का मतलब होता है ऐसा लेजिस्लेचर जहां पे 2 हाउस है। तो ये 7 स्टेट कौन कौन से हैं आपके, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना एंड यूपी। एमपी में विधान परिषद नहीं है, डू रिमेंबर दिस। कौन से 7 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, तेलंगाना एंड यूपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो पार्टीज में डिवाइड हुई थी, सीपीआई एंड सीपीआईएम, तो आपको ये बताना है ये ऐसा कब किस साल में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो पार्ट में डिवाइड की गई थी, तो ये दो पार्ट में किस साल में डिवाइड की गई थी, 1962, 64, 66 या फिर 69। इसका सही जवाब आप लिख चुके होंगे और इसका सही जवाब है 1964, दैट इज बी। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट हुई थी दो अलग पार्टीज में, एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इसके अगर हम लोगों की बात करें तो ये रहा इसका लोगो, और ये सीताराम येचुरी ये अभी आज के टाइम पे इसको प्रेसाइड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना था, इनलैंड ड्रेनेज रिवर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सी नदी है। इनलैंड ड्रेनेज रिवर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, माही, घग्गर, नर्मदा या फिर कृष्णा। देखिए मैं आपको बता दूं, इनलैंड रिवर, ड्रेनेज रिवर का मतलब क्या होता है, ऐसी जो नदियां जो सी या ओशियंस में जाके नहीं जाके मिलती हैं। जैसे हम आपको पता है एक तरफ हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ अरेबियन सी है, तो ऐसी नदियां जो इन दोनों में नहीं जाती हैं उनको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब वो क्या होता है मट्टी में ही सूख जाती हैं। इसका सही जवाब है घग्गर, तो राइट आंसर इज बी, घग्गर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए रिवर सिस्टम जो है इंडिया में चार ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं, एक है हिमालयन रिवर, दूसरी है डेक्कन रिवर, तीसरी है कोस्टल रिवर जो कि सीज में जो कि समुद्र में जाके मिलती हैं, और चौथी है इनलैंड ड्रेनेज बेसिन जिनको एंडोर एंडोर है एंडोरिक बेसिन भी कहा जाता है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में है सांभर जो कि सीजनल कैरेक्टर की है, राइट। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपसे ये पूछा गया था जो हिमालय पे एक पीक है कंचनजुंगा वो कहाँ पे सिचुएटेड है। कंचनजुंगा पीक इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। हिमालयन पीक कंचनजुंगा ये कहाँ पे स्थित है, और सही जवाब है सिक्किम। ये एक्चुअली नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, अगर मान लीजिए यहां तक ये नेपाल है आपका और ये सिक्किम है तो ये एकदम ऐसे बॉर्डर टाइप्स पे है, ठीक है, तो इंडिया में ये सिक्किम में काउंट किया जाता है। कंचनजुंगा इज सिचुएटेड इन सिक्किम और इसकी हाइट है 8586। अब अगर पीक की बात की है तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पीक्स देख लेते हैं लगे हाथ। तो जैसे देखिए ये तो रहा आपका कंचनजुंगा, ये रहा नोकरेक पीक जो मेघालय में है, फिर है शरमती पीक जो मणिपुर में है, ब्लू पीक ये आपका आता है त्रिपुरा आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना आप लोग, तो ये रहा आपका ब्लू पीक। यहाँ पे पारसनाथ, ये है मलयगिरी जो उड़ीसा में आता है, नीमगिरी एंड महेंद्रगिरी सारे ये उड़ीसा के ही हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगस्ता मलाई है, अन्नाई मुड़ी है, डोडा बेटा है, कुंद्रे मुख है, यहाँ पे ब्रह्मागिरी है, महाबलेश्वर, कलसुबा है, ये धूपगढ़ है जो कि एमपी में आता है आपके, गुरु शिखर, गोरखनाथ, यहाँ पे है नंदा देवी, बद्रीनाथ, नुनकुन, सैलोतोरा, कांगरी, उसके अलावा यहाँ पे है ये है गुस्तरभूम, उसके अलावा यहाँ पे हो गया ब्रॉड पीक और ये है नंगा पर्वत। तो प्लीज़ इस मैप को अच्छे से याद कर लो, ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये देख लो, ये गसरभूम है, ये केटू है, ब्रॉड पीक है, नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजुंगा, नौकरेक, श्रमती, ब्लू पीक, पारसनाथ, मलयगिरी। तो प्लीज ये ऑर्डर अच्छे से याद कर लो, काफी मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं आजकल, तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये था डर्बन सिटी कहां पे स्थित है, सिचुएटेड है। तो अब ये देखिए यहां पे अगर डर्बन सिटी का पूछा है तो ये मत सोचना कि ऐसे हमें हर देश की सिटीज के बारे में याद भी करना है या नहीं करना है, ये उस टाइम पे न्यूज में थी तो इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और बहुत ही आसान सा था, डर्बन है आपका साउथ अफ्रीका में, सो आंसर इज ए, डर्बन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ अफ्रीका में आती है। लोकेशन देखो, ये रहा साउथ अफ्रीका और ये रही आपकी डर्बन सिटी। लुसोतो एक ऐसी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, कंप्लीटली लैंड लॉक्ड है एक ही कंट्री के द्वारा, दैट इज साउथ अफ्रीका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है इंडिया में, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सारे स्टेट से, क्या आपको पता है, उम्मीद करता हूं पता होगा आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में 8 स्टेट से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 या फिर ऐसे बोलो 23 डिग्रीज
5 इंचेस ये जो लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड सॉरी नॉर्थ बोल रहा हूँ, ईस्ट जो लैटिट्यूड सॉरी नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वो इंडिया में 8 लैटिट्यूड से सॉरी 8 स्टेट से पास होता है। तो आपको ये बताना है इनमें से किसमें से पास होता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। कहाँ कहाँ से पास होता है 8 स्टेट में? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये रहा मैप, इसमें देख सकते हो, देखो ये रहा आपका गुजरात, फिर आपका आ जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाता है झारखंड, झारखंड के बाद आ गया वेस्ट बंगाल, और फिर आपका यहाँ पे आ जाता है ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस साल में 14 मेजर प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया था, जिस इवेंट को नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इसका साल बताना है। आपके ऑप्शन हैं 68, 70, 69 या फिर 65। राइट आंसर इज सी 69। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन ये पूछता हूं मैं आपसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के दौरान किसकी गवर्नमेंट रूल कर रही थी, ठीक है, किसकी गवर्नमेंट सेंटर में थी? इंदिरा गांधी की, मोरारजी देसाई की, या फिर इनकी जो भी आपके ऑप्शन हैं, तो उस हिसाब से आप सोच के मुझे इसका जवाब देना है, ठीक है। सो टू रिफॉर्म द बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज 14 मेजर बैंक्स इन 1969। उसके बाद 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था 1980 में। अगला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश को स्टैब्लिश किया गया एज अ इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर एन इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 मेजर वॉर हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है किस वॉर के बाद बांग्लादेश बनाया गया था, और जो आपके ऑप्शन है वो थोड़े से टफ हैं, दिसंबर 1970, मार्च 1970, मार्च 1971 या दिसंबर 1971। एंड द राइट आंसर इज, आप दे चुके होंगे कम से कम ये तो पता होगा, 1971 है, लेकिन बस अब महीने में कंफ्यूज हो, तो राइट आंसर इज डी, दिसंबर, दिसंबर 1971। अगला क्वेश्चन है आपका, चिल्का लेक किस स्टेट में लोकेटेड है? चिल्का लेक किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? चिल्का लेक किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर लिख लिया होगा, एंड यस राइट आंसर इज उड़ीसा, दैट इज सी। तो चिल्का लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, सबसे बड़ी खास बात, और ये उड़ीसा में है। अब अगर लेक का क्वेश्चन आया है तो कुछ लेक्स के ऊपर नजर दे लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारी यहां पे लेक्स हैं, सॉरी। हाँ, अब देखिए, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, प्लीज अच्छे से ध्यान से देखो, ये रहा आपका चिल्का लेक, दिख रही है, ये रही चिल्का लेक। तो ये सारा रिवर और लेक्स का ही फोटो है आपके, जैसे पेंगोंग सो मुरोरी, एक्चुअली ये थोड़ा सा लद्दाखी लैंग्वेज या जो कश्मीरी लैंग्वेज है, सो का मतलब होता है लेक, ठीक है। गोविंद सागर लेक, गांधी सागर लेक, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, हीराकुंड, निजाम सागर सॉरी तुंगा भद्रा, नागार्जुना सागर, उसके अलावा कृष्णा राजा, भवानी सागर। तो ये आप सारी लेक और सारी रिवर्स की लोकेशन एक बार ढंग से देख लें, सो देट आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्लियर है। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो एक और चीज ये देखिए, मैंने कुछ चीजें बताने की कोशिश की है यहाँ पे, अगर आप नजर डालें तो ये देखिए, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वूलर। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? धीवार। उसके अलावा अगर मोस्ट सलाइन लेक बोला जाए, जो रामसार के हिसाब से अब लोकेटेड है, दैट इज सांभर। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लोकतक। ठीक है, तो प्लीज आप इनकी सारी ये याद रखना, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकतक, लोकेशन कहाँ रही? ये रही। उसके अलावा मोस्ट सलाइन लेक सांभर, ये इसकी लोकेशन कहाँ पे आएगी आपकी? ये रहा। उसके अलावा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया वुलर, ये रही। और उसके अलावा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, सो दैट इज आपकी धेवर, ये रही। आगे चलते हैं, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्रा, गंगा झेलम, सिंधु झेलम, या फिर गंगा एंड ये सिंधु है, एक्चुअली इट्स नॉट सिंघू, इट्स सिंधु। तो आपका सही जवाब है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बनता है सुंदरबन डेल्टा, आप सभी जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस साल में बनाई गई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस साल में बनाई गई थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1905, 1904, 1907 या 1906?
उम्मीद करता हूँ जवाब दे दिया होगा आपने। एंड दी राइट आंसर इज 1906। सो राइट आंसर इज डी। किसके द्वारा बनाई गई थी? आगा खां के द्वारा बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? ढाका में, और 1906 में। तो मेरे साथ याद कर लो, किसने बनाया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को? आगा खान ने बनाया था, 1906 में बनाया था, और कहाँ पे बनाया था? ढाका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से गवर्नर जनरल ने इंडिया में परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, प्लीज आपके ऑप्शन है लॉर्ड जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नोविल वेलिस, और उसके बाद लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। तो यहां पे गवर्नर जनरल का नाम पूछा है कि किस गवर्नर जनरल ने इनमें से ये परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। देखिए, जब ब्रिटिशर्स थे तो लैंड टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने अलग अलग सेटलमेंट लेके आए थे। जैसे पहले लेके आए थे इजारेदारी, इजारेदारी सिस्टम, फिर लेके आए जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम को ही परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आया रियोतबारी सिस्टम, और फिर आया महलबाड़ी सिस्टम। ठीक है, महलबाड़ी में क्या किया जाता था? टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था वो पूरे विलेज का एक इंसान को अपॉइंट कर दिया था, उससे लिया जाता था। रियोतबारी में हर एक फार्मर से लिया जाता था। जमींदारी में जमींदार को अपॉइंट कर दिए जाते थे और वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। और ये इजारेदारी सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये एनुअल ऑक्शंस हुआ करते थे, और जमींदारी सिस्टम में 10 साल का ऑक्शन होता था, 10 ईयर्स का ऑक्शन होता था। तो ये इंट्रोड्यूस किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के द्वारा। सो राइट आंसर इज सी, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, जिसमें लैंड लॉर्ड्स पजिस करते थे उस लैंड को, और क्या कहते हैं, उनको सिर्फ उसका 10% मिलता था। तो ये सारे सिस्टम है लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो लेके आई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। माउंट बेटन प्लान, जो कि इंडिया के पार्टीशन से रिलेटेड है, ये कब डिक्लेयर किया गया था? 4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जुलाई 1947, या 3 जून 1947? थोड़ा सा टफ है, लेकिन यस, इतना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है उसके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसका सही जवाब है 3 जून 1947। 03 याद कर लो, 3 जून 1947 माउंट बेटन प्लान। ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे इंडिया के वाइसरॉय थे वो माउंट बेटन जी थे, लॉर्ड माउंट बेटन। तो इन्होंने ये प्लान को लेके आए थे। सो इसको ये आया था 3 जून 1947। राइट आंसर इज डी। आपको ये बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए थे 1938 में, उनका नाम आपको पता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल सेशन हुआ करता था करीब करीब दिसंबर के महीने में, हर बार अलग अलग लोकेशंस पे। ठीक है, तो जो 1938 का सेशन था, जो हरिपुरा सेशन के नाम से फेमस है, तो इस टाइम पे उसके प्रेसिडेंट, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, या वल्लभ भाई पटेल? यहां पे एक खास बात याद रखना, अबुल कलाम आजाद जो हैं वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, जो क्या कहते हैं, अनी बेसेंट थी, ये पहली महिला, फर्स्ट वुमेन जो कि जिन्होंने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। दूसरी वुमेन थी सरोजनी नायडू, लेकिन सरोजनी नायडू सेकंड वुमेन तो थी, लेकिन ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। ये कुछ फैक्ट थे, सोचा बता दूं आपको, याद करना, इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 1938 के टाइम पे थे आपके सुभाष चंद्र बोस साहब। ठीक है, राइट आंसर इज बी, हरिपुरा सेशन के नाम से फेमस है, और ये 52nd सेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्ट किए गए थे एज अ प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, उनके प्रेसिडेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो एक कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 1885 में बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, उस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूसी बोनर्जी। 1886 में बने दादा भाई नेहरोजी, जो कि 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। दादा भाई नेहरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये फेमस है अपनी थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए। उसके अलावा 1887 में थे बदरुद्दीन तायब जी, जो कि पहले मुस्लिम जिन्होंने प्रिसाइड किया। उसके अलावा 88 फर्स्ट यूरोपियन जिसने प्रिसाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, उनका नाम है जॉर्ज योले। सेकंड यूरोपियन का नाम है विलियम बेडर बन। पेपर में ऐसा बहुत बार पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर कभी भी किसी यूरोपियन ने प्रिसाइड नहीं किया, तो आप देख सकते हो 2 यूरोपियन, पहले यूरोपियन जॉर्ज योले और सेकेंड यूरोपियन विलियम बेडर बन। पहले हिंदू प्रेसिडेंट का नाम था पी आनंद चल्लू। 93 का सेशन, लाहौर का सेशन, उसे दादा भाई नरोजी ने प्रिसाइड किया था। 1905
ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रिसाइड किया था। यहाँ पे मॉडरेट और न्यू नेशनलिस्ट के ऊपर इशू चल रहा था स्वदेशी का। 1906 में दादाभाई नौरोजी ने किया था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। 1907 में जो सूरत में हुआ था उसमें रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया था, और इसी के दौरान सूरत स्प्लिट भी हुआ था। 1908 रास बिहारी घोष सेम सेशन रिकन्वीन्ड, और नियो नेशनलिस्ट को निकाल दिया गया, एक्सपेल्ड कर दिया गया। 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो इस टाइम पे क्या कहते हैं जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, और इसी टाइम पे लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। 1917 में जो कलकत्ता का सेशन था इसमें पहली बार किसी महिला ने प्रिसाइड किया था, सो दैट इज अन्नी बेसेंट। 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय, 1919 में अमृत मोतीलाल नेहरू, ठीक है, अमृतसर में हुआ था और मोतीलाल नेहरू ने इसको प्रिसाइड किया था, जहां पे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी को डिस्कस किया गया था। 1992 में गया सेशन, जिसमें सीआर दास ने प्रिसाइड किया था। यहाँ पे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की घटना क्या क्या किए थे घटित की गई थी, और इसे सीआर दास ने के इसके प्रेसिडेंट बने थे, और मोतीलाल नेहरू इसके जनरल सेक्रेटरी बने थे इस पार्टी के, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। उसके अलावा 1924 बेलगांव सेशन, जिसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 28 सरोजनी नायडू, जो पहली इंडियन महिला जिन्होंने प्रिसाइड किया, और ये पहली इंडियन गवर्नर भी हैं ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके अलावा 1929 लाहौर सेशन, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, जहां पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस, 1939 तिरुपुरी सुभाष चंद्र बोस रीइलेक्टेड बट रिजाइंड आफ्टर 1 मंथ। 1940 में रामगढ़, जहां पे मौलाना अबुल कलाम आजाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट और यंगेस्ट भी थे ये। 1946 में मेरठ में हुआ था, जब आचार्य जे बी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने किसान मजूमदार प्रजा पार्टी को इस्टेब्लिश किया था उस टाइम पे। 1948 जयपुर जयपुर में हुआ था, और ये पतंबी सीतारमैया थे, फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो प्लीज़ ये सारे सेशन याद रखना। आगे चलते हैं, आपको ये बताना है इनमें से किस मुगल एम्परर ने एजुकेशनल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर। और राइट आंसर इज डी, दैट इज अकबर। तो मुगल एम्परर अकबर, इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काफी इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। बाकी जो शाहजहां थे वो फेमस थे अपने आर्किटेक्चर के लिए, और जहांगीर का जो समय था वो फेमस था अपनी पेंटिंग के लिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने खालसा पंथ को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। खालसा पंथ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाले गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है, या तेग बहादुर, नानक देव या नानक देव, ठीक है। तो राइट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह, सो राइट आंसर इज ए। तो इन्होंने खालसा पंथ को एस्टेब्लिश किया था 1699 में एट द डे ऑफ ऑन द डे ऑफ बैसाखी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जो कार्यकाल था उसमें फॉरेन मिनिस्टर का नाम का हिंदी में नेम कह लो, या फिर आपका मराठी में क्या बोला जाता था उसे, सुमंत, अमात्य, सरे नौबात या फिर सचिव। तो फॉरेन मिनिस्टर को बोला जाता था सुमंत। सो राइट आंसर इज ए, अमात होता है आपका फाइनेंशियल मिनिस्टर, ठीक है। तो शिवाजी ने मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, और इनके कैबिनेट में हुआ करते थे अष्टप्रधान, यानी एट जेम्स। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को बोलते थे सुमंत। ये रहे आपके सचिव, अमात्य, पंत प्रधान जो कि पेशवा होता था, पंत प्रधान, न्यायाधीश, पंडित राव, सुमंत, सेनापति, मंत्री, ठीक है। तो ये सारे हैं। अब आपको अगर जानना हो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पंत प्रधान यानी पेशवा, अमात्य यानी मजूमदार यानी फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव यानी सेक्रेटरी, बाकिया नाविस यानी इंटीरियर मिनिस्टर, सरे नौबात यानी सेनापति यानी कमांडर चीफ, सुमंत यानी फॉरेन मिनिस्टर, न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, पंडित राव यानी हाई प्रीस्ट। इनमें से कौन सी कंपोजिशन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई थी, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका या फिर साहित्य रत्ना। और इसका सही जवाब है साहित्य रत्ना, इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, सो राइट आंसर इज डी। बाकी तीनों संत तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। चलिए बताइए, साहित्य रत्ना के रचनाकार यानी ऑथर या कंपोजर कौन है, साहित्य रत्ना। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था, राजपूत डायनेस्टी, विच ऑफ दी फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टी ने, इनमें से कौन सी राजपूत डायनेस्टी ने दिल्ली को 8वीं सेंचुरी में फाउंड किया था। दिल्ली जो आज की दिल्ली है वो तो अलग है, लेकिन उस टाइम पे जो दिल्ली नाम रखा गया था, उसके बाद तो फिर दिल्ली के और भी पोर्शन हैं, तो उसको किसने इस्टेब्लिश किया था, परमार, सोलंकी, तोमर डायनेस्टी या फिर चौहान डायनेस्टी। राइट आंसर इज तोमर डायनेस्टी, सी। तो राजपूत क्लैन में जो तोमर डायनेस्टी थी
उसको किसने स्टेब्लिश किया था, उसको किसने मतलब स्टेब्लिश किया था, दैट इज तोमर डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन, गुप्ता एम्पायर में टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड इनमें से किसको दिया जाता था, मिलिट्री ऑफिशियल्स को, सिविल ऑफिशियल्स को, ब्राह्मिन्स को, या फिर कोर्ट स्कॉलर्स को। टैक्स फ्री मतलब ऐसा जमीन कि ऐसा जमीन का टुकड़ा जिससे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, लगान नहीं लिया जाता था, तो ऐसा टुकड़ा किसको दिया जाता था। राइट आंसर इज ब्राह्मिन्स और सी, ठीक है, ब्राह्मिन्स। और आज का आखिरी सवाल आपको ये बताना है, इनमें से किस सुल्तान ने मार्केट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या बलबन। ये सल्तनत पीरियड कहलाता है ये, ठीक है। चार जो डायनेस्टी थी ना आपकी, सलेब डायनेस्टी, उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आई आपकी तुगलक डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। तो ये जो डायनेस्टीज थी, इन डायनेस्टीज को 1206 से लेके 1526 तक, ये आपकी कहलाते हैं सल्तनत पीरियड। तो आपको ये बताना है इस टाइम पे मार्केट रिफॉर्म इनमें से किस सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था, और राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी, दैट इज बी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने मार्केट रिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। तो ये आपने मूवी भी देखी हो, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, राइट। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दैट एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, और काफी कुछ सीखा भी होगा आप लोगों ने इस लेक्चर से। अगर कोई क्वेरी आती है तो ये रही ईमेल आईडी और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें से किसी का भी इस्तेमाल करके आप अपनी क्वेरी को रिजोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने रिव्यू दें, लाइक करके या कमेंट करके, हार्डली इट विल टेक 1 or 2 मिनट्स, सॉरी 1 or 2 सेकेंड्स। उसके अलावा दोस्तों अगर इफ यू फाइंड इट वर्थ वॉचिंग तो इसे शेयर करना ना भूलें, सो दैट बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई भी लेक्चर या पीडीएफ वगैरह एक्सेस करने में कोई भी इशू है तो आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सो पेशेंटली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन दस विदानिया।